हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आ गए एक लेक्चर लेकर के नया अपना हिस्ट्री का। पता नहीं कभी कभी जबान फिसलती है, छोड़ो। तो आज के टॉपिक जो हमारा है वीडियो का, वो है वर्तमान भारत। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था आनंद मठ के बारे में, जो कि बैंकिम चंद चटर्जी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्किल थी। उन्होंने अपने तहरीरों के जरिए बहुत खूबसूरत अंदाज में लिख करके बताया कि भैया अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं और तुमको क्या करना है, समझ गए। उसी तरीके से हम लोग वर्तमान भारत पढ़ते हैं कि वर्तमान भारत जो लिखे थे स्वामी विवेकानंद। देखो हिस्ट्री में कभी भी, मतलब पहले की बात करें अभी बात करें, हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर पैदा होता है जो कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसको हम चाहे जितना भी बोल ले, जितना भी उसके बारे में हम सोच फिक्र कर ले, वो हमारी जहन से उतरता ही नहीं। कुछ लोग हमारे लाइफ में कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, अच्छे लेवल पर या बुरे लेवल पर, फिलहाल मैं अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे अच्छे इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल करके रख देता है। और उस वो जो इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ में, हम चाह कर भी उस चीज़ को बयान नहीं कर पाते कि भाई आखिर उस शख्स की वजह कर क्या चेंजिंग आई हमारी लाइफ में और किस हद तक हम सक्सेस की तरफ बढ़े। तो कुछ ऐसा होता है। तो उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शख्स थे इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के दौरान, यानी कि इंडियंस के लिए पूरा सोचो फिक्र रखा है। इनकी ज़िंदगी इंडियंस के लिए ही थी, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए पूरा अपना ज़िंदगी लगा दिया। वो दौरे पे भी निकलते थे, बाहर कंट्री घूमते थे, वो देखने के लिए कि भाई उस वहाँ कैसे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे देश में किस तरीके से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, तो किस तरीके से अपने देश के लोगों को इज़्ज़त के साथ, हिम्मत के साथ, एतमाद के साथ, यानी कि एकजुट होकर के हम जीना सिखाए, किस तरीके से लोग अपने अंदर तहजीब पैदा करें, किस तरीके से वो जात और पात को छोड़ करके एक साथ रहे, काले गोरे का फ़र्क भूल जाए, ये सारी चीज़ें वो सोचते थे। इसी से रिलेटेड उनकी बहन ने बहुत खूबसूरत लफ्ज कहा है। अब देखिए स्क्रीन पर, उन्होंने कहा है, इंडिया वॉज स्वामी जीज ग्रेटेस्ट पैशन, लॉन्ग बेस्ट इंडिया ट्रॉप्ड इन इज ब्रेस्ट, इंडिया बीट इन स्पल्स, इंडिया वॉज हिज डे ड्रीम, इंडिया वॉज हिज नाइट मेयर। सिंपल है, उनकी बहन ने कहा है कि भाई हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंदा के दिल में धड़कता है। स्वामी विवेकानंदा के रात का ख्वाब वही है, दिन का ख्वाब वही है। वो दिन में उठते हैं तो वही सोचते हैं, रात में सोने से पहले वही सोचते हैं, और उनके सपने भी इंडिया ही आता है, इंडिया ही इंडिया है सिर्फ उनके दिलो दिमाग में, कि किस तरीके से हम अपने इंडियंस के लोगों की ज़िंदगी को सुधार सकें, यही उनका मकसद था। तो इस रिलेटेड उन्होंने बहुत सारा वर्क है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने कर्म युग लिखा है, ज्ञान युग लिखा है, भक्ति युग लिखा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक है। आप स्क्रीन पर मैं नाम दिखा देता हूँ, आप वो देख लीजिए उसको। और एक वर्तमान भारत जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और अरविंदो घोष ने इनके बारे में कहा है, विवेकानंद वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर नेशनल लाइफ। मतलब हम लोग जो नेशनल लाइफ जी रहे हैं उसको आर्किटेक्ट करने वाले स्वामी विवेकानंद है। अब आर्किटेक्चर के माने क्या होता है आपको मालूम है, एक बनावट पूरा, मैंने एक स्ट्रक्चर को बना के रखना। तो पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा नेशनल लाइफ का है उसको बनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद, और इस चीज़ का पूरा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है वर्तमान भारत में। 1897 में स्वामी विवेकानंद रिटर्न होते हैं यूरोप से, और यूरोप से रिटर्न होने के बाद वो देखते हैं कि भाई वहाँ पे लोग इतने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का जात पात का भेदभाव नहीं है, वहाँ लोग एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ हमारे देश में बिल्कुल ही उल्टा काम चल रहा है। तो इस सोच फिक्र में बैठ गए कि भाई किस तरीके से इस यहाँ के लोगों को ठीक किया जाए। तो इसका सोल्यूशन ढूंढने वो जब गए, तो सोल्यूशन ढूंढते उनकी जो तहरीर लिखा है उसी को नाम पड़ा वर्तमान भारत। वर्तमान भारत को सबसे पहले पब्लिश किया गया था आपका 1899 में, और ये बुक की शक्ल में नहीं हुआ था। देखो किधर गया भाई, सबसे पहले इनको रामकिशन मिशन में, यहाँ पर रामकिशन मिशन हम लिखना भूल गए, रामकिशन मिशन में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था। रामकिशन मिशन जो अखबार था हमने पढ़ा था, रामकिशन मिशन प्रेस, वहाँ पर 1899 में ये सबसे पहले प्रिंट हुआ था। 1905 में ये फर्स्ट टाइम बुक की शक्ल में आया था। तो सब 1899 में वो प्रिंट किया गया था रामकिशन मिशन प्रेस में आपका, लेकिन बुक की शक्ल वो लेता है 1905 में। इसमें उन्होंने कुछ ये लिखा है कि भाई वैदिक अहद की बात कहनी, कि वैद के टाइम का उन्होंने बात की, जो वेद हम लोग पढ़ते हैं उस टाइम, बोले कि वैद के टाइम में सदगुरुओं के हाथ में था पूरा का पूरा बागदौड़। आपको उन्होंने लिखा है कि वैदिक अहद में समाज का निज़ाम ब्राह्मण साधुओं की निगरानी में चलता था, इसके बाद बादशाहियत का इब्तदा हुआ। उसके बाद वो लिखते हैं कि हज़ारों साल तक इक्तदार खत्रियों के हाथ में रहा, यानी कि पहले ब्राह्मण साधुओं की निगरानी में चलता था, उसके बाद बादशाह लोग आए, फिर बादशाह के बाद वापस खत्रियों के हाथ में चला गया। उसके बाद बहुत टाइम तक ये पूरा बाग और दौड़, यानी कि जो पूरा निगरानी रखना था, ये सब थे आम लोगों के दरमियान में था।
जो कॉमन लोग थे। फिर स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि फ्यूचर में वैस लोगों का इकतदार का सूरज ग्रूब हो जाएगा, यानी कि जो भी वैस लोग हैं जो बहुत घमंड करते हैं कि भाई उनके हाथ में इतनी बड़ी चीज़ है, तो वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और पूरे मुल्क में सौदर लोगों की हुकूमत होगी। ये इनका पूरा बोलना था। ये कुछ एक समरी टाइप का है इनकी बुक का, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इनका पूरा टारगेट ये था कि भाई उस 19th सेंचुरी में जो भी जात पात, सबसे मैंने मेन प्रॉब्लम ना यही थी, आज के टाइम में भी है लेकिन कम है, पहले के रिलेटेड में, पहले के रिलेशन में कम है अभी, लेकिन है आज के टाइम में भी ये प्रॉब्लम है कि लोग एजुकेशन छोड़ो, लोग बस इस चीज़ में पढ़ गए हैं, मैं गोरा हूँ तू काला है, मैं इस जात से, मैं इस धर्म का हूँ तो उस धर्म का, धर्म छोड़ो एक ही धर्म में लोग बोल रहे हैं भाई मैं तो इस पौधे पर हूँ तो इस पौधे पर है तो उस पौधे पर है, मैं इस पौधे पर हूँ तो उस बदना में है, मैं इस बदने में हूँ, बस वो पौधा बदना लोटा यही सब चल रहा है और कुछ है ही नहीं। पानी किसी का पास ना, पौधा का पास पानी, ना बदना का पास पानी, ना लोटा का पास पानी। अब पानी क्या है, एजुकेशन मेन वही है जो अपने समय पर चलते चली जा रही है, बहते चली जा रही है, बट किसी को फिक्र नहीं पड़ी उस चीज़ को हम पकड़ें। तो ये प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, उस पर एक नाम स्वामी विवेकानंदा का, और उसने किताब को जरिए द्वारा काम किया है आपका वर्तमान भारत। आप चाहे तो इस वर्तमान भारत को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट इफ़ यू नॉट देन जस्ट रिमेंबर व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। जो मैंने आपको बताया बस इतना याद रखिए, बस इतना आपके लिए बहुत है। एग्जाम बचा नहीं था, हमने आनंद मठ देख लिया, उसके बाद वर्तमान भारत देखा, देन उसके बाद गोरा है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसको समझ लेते, उसमें क्या चीज़ है, देन एक लास्ट टॉपिक है भारत माता जो कि एक पेंटिंग थी बेसिकली, उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। देन एक लेक्चर में लेकर के आऊँगा जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के वो मैं डील करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल, अगर अभी तक नहीं किया तो सोच क्या रहे, ऐसे देखो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, पसंद तो आ ही जाएगा वो मुझे पता है, ठीक है। तो देखो गोरा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर गोरा की बात करूँ तो इस नाम है नॉवेल का गोरा, एक नॉवेल था ये, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो भी गोरा ही था। ये बेसिकली इसमें लव स्टोरीज दिखाई गई, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लव स्टोरीज ऑफ टू पेयर्स ऑफ लव, एक तो गोरा और सुचरतिया, वही लिखा है ना, हाँ सुचरतिया, गोरा सुचरतिया, और दूसरी था बिनोय एंड ललिता का। अब इनके जो लव स्टोरीज है तो इनके लव स्टोरी के बीच में जो इनके जो इमोशनल्स थे, इनके जो इमोशंस थे, उसके इमोशंस को डेवलप किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, उस इमोशंस के थ्रू जो डेवलपमेंट है इमोशंस के थ्रू, उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल इशूज को दिखाया गया है जिस तरीके से 19th सेंचुरी में इंडिया में चल रहा था। तो देयर इमोशनल डेवलपमेंट इज सोन इन द बैकग्राउंड ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो इनका इमोशनल डेवलपमेंट उस बैकग्राउंड में किया गया है जिस तक आपको ये समझ में आ सके कि भाई जो लिखा है इन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स प्रीवेलेंट इन इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, प्रीवेलेंट इन इंडिया टूवर्ड्स दी 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसी के बैकग्राउंड में छुपा करके इनके इमोशन को डेवलप किया गया है, जिसको पढ़ करके, इनकी लव स्टोरीज को पढ़ करके आप ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि 19th सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, क्या सोशल इशूज थे। ओवरऑल बोला जाए तो इस नॉवेल के जरिए रविंद्रनाथ टैगोर का जो मेन कैरेक्टर गोरा, वो एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखता है जहां पर कोई भी किसी पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं कर रहा हो, जाति नहीं कर रहा हो, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई किसी को बेकार का मारपीट नहीं रहा है, मतलब ओवरऑल एक ऐसा इंडिया जहां पर बुराई का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो, ये इसका एक ओवरऑल पूरा का पूरा कंसेप्ट हमें निकल कर आता है जो बुरा जो कैरेक्टर उसको द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर ने पेश करने की कोशिश की है। अब इस पूरे नॉवेल में कहीं पर भी डायरेक्टली ब्रिटिश को या फिर अंग्रेज़ों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, बट गोरा का एक ऐसा ही हिंदुस्तान का सपना जहां पर किसी भी तरह का जुल्म और सितम ना हो, ये इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा करता है कि रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेज़ों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज इंडिया से जाएंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। तो ये इनडायरेक्टली इस चीज़ को गोरा के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो अंग्रेजी हुकूमत है वो हमारे इंडियंस को अंदर ही अंदर, यानी कि पूरे हिंदुस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो काफ़ी मजबूत मैसेज था इसके अंदर, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये बंगला लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसके अलावा ये मलयालम लैंग्वेज में भी अवेलेबल, इसको ट्रांसलेट किया गया अभी बहुत सारे लैंग्वेजेस में। इसके बाद हम आते हैं भारत माता की तरफ। भारत माता एक पेंटिंग है, देखिए हिंदुस्तान हमारा देवी देवताओं का मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं, जिसमें से एक देवी देवता हमारा दुर्गा भी है, दुर्गा माँ,
तो भारत माता को एक औरत के रूप में पेश किया गया, उन्होंने जो भारत माता की जो पेंटिंग बनाई गई थी उसको एक औरत के रूप में पेश किया गया था, और सिंपली बेसिकली बोले तो खास तौर से दुर्गा माँ के रूप में उसको पेश किया गया, इस तरीके से बुक में लिखा गया है। मैं आपको बताता हूँ, भारत माता एक पेंटिंग है जिसमें डिपिसाइड ए सैफ्रॉन क्लैड डाइविंग वुमेन, इसमें एक औरत को दिखाया गया है जो कि सैफ्रॉन कलर की साड़ी पहन के, आप स्क्रीन पे देखिए उसको, सैफ्रॉन कलर की साड़ी पहन करके, उसके चार हाथ है जिसमें से एक हाथ में उन्होंने बुक पकड़ के रखा है और एक हाथ में उन्होंने सीप्स ऑफ पैडी यानी कि धान के कुछ हिस्से उन्होंने पकड़ के रखे हैं, ए पीस ऑफ क्लोथ और कपड़े का एक टुकड़ा आपका पीस ऑफ वाइट क्लोथ, तो एक हाथ में किताब है, एक हाथ में धान का पौधा लिया हुआ उन्होंने, एक हाथ में वाइट कपड़ा है और एक हाथ में रुद्राक्ष है यानी कि माला है, रुद्राक्ष गार्लैंड यानी कि माला जिसको हम लोग बोलते हैं इनर फोर हैंड्स, ये कुछ इस तरीके। तो कहानी बहुत सिंपल है इसका और कुछ है नहीं इसमें, चलता रहेगा ये सब। तो भारत माता का सिंपल पेंटिंग है, पेंटिंग उन्होंने बना दी थी, या पेंटिंग के द्वारा मैसेज यही देना था कि हमारा जो इंडिया है बहुत प्यारा है, जिसको अंग्रेज़ों ने पूरे तरीके से तोड़ के मोड़ के उठा पटक करके तबाह कर दिया, ये एक मैसेज उन्हें देने की कोशिश की थी। अब इसके बाद एक नाम इसमें आता है आपका गगेंद्र नाथ टैगोर का, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं जानना नहीं चाहता हूँ अभी। गगेंद्र नाथ टैगोर एक कार्टूनिस्ट थे, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। देखो जब भी ज़माने में कुछ भी होता है तो लोगों के अंदर जो भी टैलेंट होता है वो उसके थ्रू ही उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के टाइम में स्टैंड अप कॉमेडी का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो आज के दौर में जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है वो आज के टाइम में जो भी पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं, ये मीडिया जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके दिखा रही, उन सारी चीज़ों को स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत ही मजाहिया अंदाज में क्रिटिसाइज़ करके लोगों के सामने रखते हैं, ये आज के टाइम में देखा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर है। कुछ पिक्चर्स के द्वारा भी इन सारी चीज़ों को किया जाता है, तो उस टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडियंस थे नहीं, पिक्चर्स थे नहीं, तो उन्होंने बुक के थ्रू नॉवल के थ्रू ड्रामा के थ्रू ड्रामा बना करके उन लोगों को दिखाया। उसके अलावा ये गगेंद्र नाथ टैगोर एक कार्टूनिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इन्होंने कार्टून बना करके यही सारा काम किया था। मैं कुछ डिटेल आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उसको पढ़ लें, उतना डिटेल बहुत है। इनके कुछ फेमस वर्क्स में से है द मॉडर्न रिव्यू, पिलर्स ऑफ द एब्सर्ड, प्ले ऑफ अपोजिट रिफॉर्म ऑफ स्क्रीम, से कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं। तो बस इतना ही है चैप्टर फोर में, और इसके अलावा कुछ है नहीं आपके लिए। अब एक लेक्चर हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि इतना क्वेश्चंस किस तरीके का आ चुका है हमारे पिछले 5 सालों में। तब तक पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।